बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इस वक्त 9 तारीख के 7:45 बजे हैं और मैं रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के बाहर खड़ी हुई हूँ जफरवाल में और NA-75 के लिए। पहली बात तो ये है कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहे ये RO ऑफिस का फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2-3 आवर्स। 1 बजे 1:15 बजे सुबह यानी कि रात को हमें इजाज़त मिली अंदर आने की। उसके बाद अभी तक हम यहाँ पर बैठे हुए और रिजल्ट्स इस तरह कंपाइल हो रहे हैं कि 3 बजे के बाद यहाँ पर रिजल्ट्स कंपाइल होना शुरू हुए। और सुना यह कि एक बहुत स्पेशल कमरा है जिसमें कोई टॉर्चर सेल भी है जो यहाँ मौजूद है, जिसमें से वहाँ पर काफ़ी लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ से हो के आते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तकरीबन 75 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग हैं। सेलफोन्स चल चुके हैं, पुलिस वैन भेज के मंगवाया जा सकता है, उनको सब कुछ किया जा सकता है। मैं मुस्तकिल यहाँ पर बैठी हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत रिलैक्स माहौल है। और मैंने अभी एप्लीकेशन दी है, जो बाकी यहाँ के कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है इसके बारे में, और ये हम इलेक्शन कमीशन तक भी लेके जाएंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इलेक्शन इज नल एंड वॉइड एंड इट इज इंजीनियर्ड एंड टेम्पर्ड विद। थैंक यू। बोल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इस वक्त 9 तारीख के 7:45 बजे हैं और मैं रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के बाहर खड़ी हुई हूँ जफरवाल में और NA-75 के लिए। पहली बात तो ये है कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहे ये RO ऑफिस का फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2-3 आवर्स। 1 बजे 1:15 बजे सुबह यानी कि रात को हमें इजाज़त मिली अंदर आने की। उसके बाद अभी तक हम यहाँ पर बैठे हुए और रिजल्ट्स इस तरह कंपाइल हो रहे हैं कि 3 बजे के बाद यहाँ पर रिजल्ट्स कंपाइल होना शुरू हुए। और सुना यह कि एक बहुत स्पेशल कमरा है जिसमें कोई टॉर्चर सेल भी है जो यहाँ मौजूद है, जिसमें से वहाँ पर काफ़ी लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ से हो के आते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तकरीबन 75 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग हैं। सेलफोन्स चल चुके हैं, पुलिस वैन भेज के मंगवाया जा सकता है, उनको सब कुछ किया जा सकता है। मैं मुस्तकिल यहाँ पर बैठी हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत रिलैक्स माहौल है। और मैंने अभी एप्लीकेशन दी है, जो बाकी यहाँ के कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है इसके बारे में, और ये हम इलेक्शन कमीशन तक भी लेके जाएंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इलेक्शन इज नल एंड वॉइड एंड इट इज इंजीनियर्ड एंड टेम्पर्ड विद। थैंक यू। बोल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इस वक्त 9 तारीख के 7:45 बजे हैं और मैं रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के बाहर खड़ी हुई हूँ जफरवाल में और NA-75 के लिए। पहली बात तो ये है कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहे ये RO ऑफिस का फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2-3 आवर्स। 1 बजे 1:15 बजे सुबह यानी कि रात को हमें इजाज़त मिली अंदर आने की। उसके बाद अभी तक हम यहाँ पर बैठे हुए और रिजल्ट्स इस तरह कंपाइल हो रहे हैं कि 3 बजे के बाद यहाँ पर रिजल्ट्स कंपाइल होना शुरू हुए। और सुना यह कि एक बहुत स्पेशल कमरा है जिसमें कोई टॉर्चर सेल भी है जो यहाँ मौजूद है, जिसमें से वहाँ पर काफ़ी लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ से हो के आते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तकरीबन 75 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग हैं। सेलफोन्स चल चुके हैं, पुलिस वैन भेज के मंगवाया जा सकता है, उनको सब कुछ किया जा सकता है। मैं मुस्तकिल यहाँ पर बैठी हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत रिलैक्स माहौल है। और मैंने अभी एप्लीकेशन दी है, जो बाकी यहाँ के कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है इसके बारे में, और ये हम इलेक्शन कमीशन तक भी लेके जाएंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इलेक्शन इज नल एंड वॉइड एंड इट इज इंजीनियर्ड एंड टेम्पर्ड विद। थैंक यू।